फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. माय नेम इज़ कल्प शाह एंड आई एम फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट्स. आज है 16 जून और देश में कोरोना का बहुत ही फैलावा हो चुका है, तो मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, कृपया आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, जितना हो सके उतना बाहर ना निकले और ख़ास करके क्राउडेड प्लेसेस यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर ना जाए, और जितने हो सके उतने ज़्यादा बार अपने हाथ धोए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अच्छे वाले मास्क का इस्तेमाल करें, अगर नहीं हो तो गमछे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आज के टॉपिक का नाम है कैमेक्सिल. कैमेक्सिल यानी कि आपको केमिकल, कॉस्मेटिक्स, डाइज वगैरह एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक RCMC लेनी होती है जिसका नाम है कैमेक्सिल. तो वो कैमेक्सिल कैसे लेनी होती है और उसके ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है वो आज हम देखेंगे. इससे पहले मेरा मोबाइल नंबर है 8000002850. मैं CS और ICW की क्लासेस चलाता हूँ. उसके अलावा हमारी जो कंसल्टेंसी है जिसमें हम GST, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, IEC कोड रजिस्ट्रेशन, FSSAI, उसके अलावा ये सारी सर्विसेज हम देते हैं, जैसे कि कंपनी नहीं बनानी, LLP नहीं बनानी, LLP टू कंपनी कन्वर्जन, प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड कन्वर्जन, डिजिटल सिग्नेचर निकालना वगैरह, हम बिजनेस की सर्विस हम आपको देते हैं. अब आज के मुद्दे पे डायरेक्टली आ जाते हैं कैमेक्सिल. तो सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है कैमेक्सिल, CHEMEXCIL, कैमेक्सिल, या तो फिर कैमेक्सिल.in डायरेक्ट पे भी जा सकते हो. तो पहले ही लिंक आएगी कैमेक्सिल.in, उसमें आपको अबाउट में यहाँ मिल जाएगा ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ कैमेक्सिल. तो उसकी प्रोफाइल क्या है, सबसे पहले कैमेक्सिल है क्या, बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी कि ये तीन चीज़ों के एक्सपोर्ट को प्रमोशन करती है. हर चीज़ की एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए इंडिया ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है, 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या बोर्ड है. तो किसी एक जो प्रोडक्ट आप हो उसमें से उसका आपको RCMC लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप. तो ये बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक और डाइज के लिए है. जो RCMC है उसका नाम है कैमेक्सिल. इज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1963 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स. सर इसमें चार पैनल बनाए गए, चार डिपार्टमेंट है कैमेक्सिल के भी, डाइज एंड डाइज इंटरमीडिएट्स, बेसिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूडिंग एग्रोकेमिकल्स, पैनल 3 कॉस्मेटिक्स, सोप्स, टॉयलेटरीज एंड एसेंशियल ऑयल्स, 4 है स्पेशलिटी केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स एंड कैस्टर ऑयल्स. अभी तक उसके 4000 मेंबर्स है और उसके जो रोल्स है वो उसकी वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हो. उसमें हम ज़्यादा आज चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आप कहेंगे तो अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ. तो सबसे पहले आपको कैमेक्सिल.in पे जाना है. इस तरह से आपको होम पेज होगा, उसमें आपको मेंबर्स में जाना है. इसमें आप थोड़े बहुत मेंबरशिप के रिलेटेड FAQs भी दिए गए, वो आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपको नीचे एक FAQ मिलेगा, फ्रॉम वेयर द मेंबरशिप एप्लीकेशन कैन बी ऑब्टेन. तो यहाँ पे लिखा है, तो वहाँ पे आपको कैमेक्सिल.in RCMC लॉगिन पे जाना है, या तो फिर आप कैमेक्सिल.co.in उसके होम पेज पे भी एक दूसरी लिंक है. मैं अभी पहले इस वाली जो बताऊँ, जो FAQs के रूट से हम यहाँ पे गए, और यहाँ पे आपको एंटर नाउ करना है. एंटर नाउ करेंगे फिर यहाँ पे आपको पूछेंगे लॉगिन और अपडेट कंटिन्यू या फिर न्यू मेंबर. तो यहाँ पे न्यू मेंबर पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे जाने का एक दूसरा भी रास्ता है. तो सबसे पहले कैमेक्सिल.in पे जाना है, कैमेक्सिल.in पे मेंबर्स में जाएंगे, मेंबर्स में माय अकाउंट जाएंगे तो भी वो लॉगिन वाला पेज आया जाएगा जिसमें आपको न्यू एंटर नाउ करके न्यू वाला करना है. यहाँ पे न्यू मेंबर करना है, फिर सबसे पहले आपको यहाँ पे IEC कोड डालना है. जो नया IEC कोड आता है वो हमेशा आपका पैन कार्ड होता है. फिर आपका कंपनी का नाम डालना है, तो यहाँ पे लिखा है IEC इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद अस, प्लीज़ फिल विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वी विल रीडायरेक्ट यू टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो यहाँ से वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चला जाएगा. सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, मेंबर डिटेल्स वाला. तो इस तरह से आपका ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर सकते हो. फिर आपको एंटर यूज़र आईडी, ईमेल आईडी डालना है.
फिर एस्टैब्लिशमेंट डेट डालना है, आपने ये कंपनी कब खोली थी। तो मैंने जीएसटी जब शुरू हुआ था तब खोली थी, तो जुलाई 1 डाल रहा हूँ। फिर कंपनी 10 नंबर, अगर कोई हो तो डालना है। सीआईएन नंबर, सिन नंबर हो तो डालना है, मोबाइल नंबर जरूर से डालना है, जीएसटी नंबर हो तो डालना है, नहीं हो तो कुछ नहीं। आईसीएन पानी इन्फॉर्मेशन जरूर से डालनी है। तो आप आईसी कोड खोल के उसमें आईसी का जो होता है उसमें से आईसी नंबर देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको जारी डेट मिल जाएगा, जारी करने की तारीख 5/9/2019। फिर पैन नंबर डालना है, पान नंबर की डेट तो किसी को नहीं पता होती, लेकिन मैंने 2007 में इश्यू कराया था, वो तो आपके पान नंबर के साथ जो लेटर आता है उसमें होती है। अब वो लेटर तो कई किसी का होता नहीं है, किसी का खो जाता है, और 2010 से पहले तो जाने भी नहीं दे रहा है। तो अब 2010 की जब पहली जनवरी डाल देता हूँ। आईसी इश्यूइंग अथॉरिटी सिलेक्ट डीजीएफटी, तो मेरा अहमदाबाद था तो मैं अहमदाबाद में भी दो है, अहमदाबाद 1 और 2, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा होगा अहमदाबाद 1 है या 2 है। कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पे स्थान अहमदाबाद लिखा है, 2 नहीं लिखा, तो मैं अहमदाबाद मान लेता हूँ। फिर काइंडली एनरोल अस एज अ मेंबर इन द कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, यानी कि आप डीलर हो, सिर्फ केमिकल वगैरह खरीद के बेच देते हो, आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, लार्ज स्केल यानी बड़ा मैन्युफैक्चरर, कम मर्चेंट एक्सपोर्टर, आप बड़े मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो और बाहर से खरीद के भी बेचते हो, तो कहते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर, कम मर्चेंट एक्सपोर्टर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर, कम मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूँ, बनाता नहीं हूँ, तो मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर डालूँगा। अगर आप बनाते भी हो और बेचते भी हो तो आप स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर कम मर्चेंट एक्सपोर्टर डाल सकते हो। सिर्फ बेचते हो तो मर्चेंट एक्सपोर्टर, सिर्फ बनाते हो तो सिर्फ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, या फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, जो भी आपका कंसर्न हो। तो मैं अभी यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर डाल रहा हूँ। इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आईसी कॉपी, अगर लार्ज स्केल स्मॉल स्केल मर्चेंट एक्स तो उसमें उद्योग आधार कार्ड भी डालना पड़ेगा और प्रोडक्ट लिस्ट विद एचएस कोड भी देना पड़ेगा ऑन देयर कंपनी लेटर हेड। ठीक है, तो अगर आप लार्ज और लार्ज स्केल है तो लार्ज स्केल में और एक डॉक्यूमेंट बढ़ जाएगा, एमएसएमई कॉपी, सेक्रेटेंट फॉर इंडस्ट्रियल असिस्टेंट कॉपी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड कॉपी, प्रोडक्ट लिस्ट कॉपी। तो मैं अभी सिर्फ मर्चेंट एक्सपोर्टर डाल रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। कंपनी टैन नंबर मांग रहा है, तो टैन नंबर तो अभी मेरा आया नहीं है। तो कोई भी नंबर अभी मैं डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर में 91 नहीं डालना है। अब पेज 2 पे आ गया, वहाँ पे मुझे एड्रेस डालना है। यहाँ पे 2 पेज एड्रेस के हैं, आप देख सकते हो। एड्रेस लाइन 1 रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर ये कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस,
और सेम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सेम हो जाएगा, फैक्ट्री एड्रेस एज पर आईसी ऐड मोर फैक्ट्रीज, फिर ब्रांच एड्रेस तो ऐड मोर ब्रांच, इस तरह से आपको चार एड्रेस डालने हैं। तो वो पूरा मैं लाइव नहीं दिखाता, उसको मैं पॉज करके खुद डाल देता हूँ ताकि आपको उतना वीडियो शॉर्ट हो जाए। तो जी हाँ, हमने यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल दिया है, रजिस्टर्ड ऑफिस एज पर आईसी और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने डाल दिया है, ठीक है। तो ये आपका दोनों मैच हो गया, फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में मेंबरशिप डिटेल्स डालनी है, अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस, डबल स्टार ट्रेडिंग हाउस वगैरह कोई हो तो आपको उसका यहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर और वैलिडिटी डालनी है, फिर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। फिर टोटल सेल्स एंड एक्सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, आपको 3 ईयर्स के डेटा देने हैं। नील टर्नओवर डालना हो तो नील टर्नओवर डाल सकते हो, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीजिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स इन रुपीज़, नील टर्नओवर, फिर नील डालोगे तो तीनों साल में नील चला जाएगा। फिर आप 19-20, 18-19 और 17-18, ये तीन में डालना है। इसमें आपको लिखवाना होता है इस टर्न ओवर इश्यूड बाई सी ए, तो यहाँ पे टिक करना होता है वरना नहीं करना होता है। अपलोड इश्यू कॉपी, और सी ए ने उसका सर्टिफिकेट डलवाया दिया हो टर्न ओवर का तो वो यहाँ पे अटैच करना है। इस तरह से आपको अटैचमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर ईयर 2018-19, फिर इस टर्न ओवर इसी तीनों में यहाँ पे अटैच करना है। फिर टोटल ऑफ 3 ईयर्स टर्न ओवर लिखना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नील सेलेक्ट करते हो तो सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, अगर आप तीन पिछले 3 साल में कोई भी एक्सपोर्ट टर्न ओवर नहीं है तो। ओवरऑल कंपनी टर्न ओवर ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग इमेज ईयर्स ऑफ कंपनी इन रुपीज़, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्न ओवर, एक्सपोर्ट फॉर 2019-20, एक्सपोर्ट फॉर 2018-19, 2000 एक्सपोर्ट फॉर 17-18, इस तरह से टोटल डालना है। ओवरऑल कंपनी टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीजिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, इमीजिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स ऑफ द कंपनी इन रुपीज, तो इस तरह से आपको यहाँ पे टर्नओवर डालना है जितना भी आपका हुआ हो। मैं कोई अमाउंट डाल रहा हूँ, तो आपका एवरेज इस तरह से निकल गया, 3 साल का एवरेज निकल गया। फिर नेक्स्ट करना है, 0 डाला तो फिर आपको सर्टिफिकेट देना जरूरी है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अपलोड सीए सर्टिफिकेट। या तो फिर आप कोई डेटा डाल दो, जो आपका इन शॉर्ट टर्न ओवर जो एक्चुअल है वही डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। इसमें तीनों में आपको सीए का सर्टिफिकेट जरूर से चाहिएगा। नील टर्न ओवर है तो अपलोड कॉपी करके डाल देने आए। यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो गया, फिर यहाँ पे भी अपलोड करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर आपको आएगा मेंबरशिप डिटेल्स, प्रोडक्ट और एचएस कोड, सिलेक्ट योर पैनल फ्रॉम बिलो, आपको 4 पैनल में से सिलेक्ट करनी है, डाइज एंड डाई इंटरमीडिएट्स, बेसिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूडिंग एग्रोकेमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरी, सोप्स, डिटर्जेंट्स, एसेंशियल ऑयल्स यानी साबु वगैरह आप बेचते हो, टॉयलेट प्रिपरेशन वगैरह, स्पेशल केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स एंड कैस्टर ऑयल, तो मैं यहाँ पे साबु वगैरह डाल रहा हूँ। फिर प्रोडक्ट आर मैंडेटरी, प्लीज सिलेक्ट योर यू सिलेक्ट यू योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिलो,
तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। अलग अलग प्रोडक्ट सर्च कर लेते क्या किस में क्या दे हुआ है। कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट्स में वूल अल्कोहल, फिर ग्लिसरीन क्रूड ग्लिसरीन वाटर्स एंड ग्लिसरीन लील्स, एक्टिव यीस्ट, नेचुरल स्टीटाइट क्रश पाउडर, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, HCO फैटी एसिड, DCO फैटी एसिड, अत्तर्स ऑफ ऑल काइंड्स इन फिक्स ऑयल बेस, सिंथेटिक परफ्यूमरी कंपाउंड, ईओ एडिकोलेंजे, रोज वाटर, कैरो वाटर, परफ्यूम्स एंड परफ्यूमरी कंपाउंड्स नॉट कंटेनिंग स्पिरिट, परफ्यूम्स कंटेनिंग स्पिरिट फॉर रिटेल सेल, स्पिरिचुअस एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, अदर परफ्यूम्स, लिप मेकअप प्रिपरेशन यानी कि लिपस्टिक, आई मेकअप प्रिपरेशन, मैनिक्योर और पेडिक्योर प्रेपरेशन, पाउडर फेस, पाउडर टेलकम, अदर फेस टेलकम, विन कॉम्प्रेस क्रीम, फेस नेल, नेल पॉलिश, मॉइस्चराइजिंग लोशन, सिंदूर बिंदी, कुमकुम, टर्मेरिक प्रिपरेशन ऑल टाइम्स, अदर ब्यूटी मेकअप प्रिपरेशन, हेयर शैम्पूज कंटेनिंग स्पिरिट्स, अदर हेयर शैम्पूज नॉन स्पिरिचुअस, हेयर लैकर्स, हेयर ऑयल, अदर हेयर ऑयल, ब्रिलेंटे, हेयर क्रीम्स, हेयर डाइस, हेयर फिक्सर्स, इस तरह से असंख्य प्रोडक्ट हैं आपको टॉयलेट प्रिपरेशन में। तो वो आपकी जो प्रोडक्ट हो वो सिलेक्ट करनी है। अदर वॉशिंग एंड क्लीनिंग प्रेपरेशंस हैविंग बेसिस ऑफ सोप, फिर टेक्सटाइल असिस्टेंस डिस्पर्सिंग एजेंट्स, टेक्सटाइल असिस्टेंस हाइड्रोसल्फाइड डिहाइड्रेट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, टेल ऑली ऑयल फैटी एसिड्स, इस तरह से आपको जो भी प्रोडक्ट हो आपको सिलेक्ट करनी है। ये तो मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट आपको पढ़ के दिखाई, मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है एक के एक बाद। मैं आपको यहाँ से ब्राउज़ कर लेता हूँ बोले बिना, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, और आपकी प्रोडक्ट हो तो आप ताकि अच्छे से सही प्रकार की RCMC चूज़ कर पाए। और आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ लीजिए। मेडिकेटेड सॉप्स, शेविंग सॉप्स, अदर टॉयलेट सॉप्स, इंडस्ट्रियल सॉप्स, हाउस होल्ड सॉप्स, लॉन्ड्री सॉप्स, सोप इन अदर फॉर्म्स, अदर हाउस होल्ड एंड लॉन्ड्री सॉप्स, शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, सिलिकॉन सरफेंट्स, कैटोनिक वीएन फॉर रिटेल सेल, अदर ऑर्गेनिक सरफेस, क्लीनिंग और डिग्रीजिंग प्रिपरेशंस नॉट हैविंग अ बेसिस ऑफ सोप और अदर ऑर्गेनिक सरफेस, बहुत सारा है। अब मैं दूसरे में जाता हूँ, दूसरे पैनल में। कैस्टर ऑयल में कम होने चाहिए, कैस्टर ऑयल में चार पांच ही प्रकार है, कैस्टर ऑयल इन इट्स फ्रैक्शंस, इडिबल ग्रेड हाइड्रोजिनेटेड कैस्टर ऑयल, ओपेल वैक्स, अदर हाइड्रोजिनेटेड कैस्टर ऑयल, ओपेल वैक्स, कैस्ट्रो ऑयल डिहाइड्रेटेड ऑफ एडिबल ग्रेड, अदर कैस्टर ऑयल इन इट्स फ्रैंक्स अदर देन इडिबल ग्रेड। इसमें इतने सारे प्रकार नहीं है, तो उसको हम क्लोज करते हैं। फिर एग्रोकेमिकल्स, उसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं, एग्रोकेमिकल में भी इतने नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू सोप वाले में, तो उसमें हम जाते हैं जिंक फॉस्फाइट्स, वेदर आर नॉट केमिकली डिफाइंड एक्सक्लूडिंग फेरोफॉस्फरस, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड अदर देन लिंडेन, BHC, DDT, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, एल्ड्रीन, एल्यूमिनियम फॉस्फाइट, कैल्शियम साइनाइड, DDVP, डीमिथाइल, डीक्लोरो विनाइल फॉस्फेट, डायक्जिनल मिथाइल ब्रोमाइड, डाई मेथोलेट टेक्निकल ग्रेड, मेलाथियन, एंडोसल्फेन टेक्निकल ग्रेड, क्विनालफॉस, आइसोप्रोट्रॉन, फेंथियन, साइपर मेथ्रीन टेक्निकल ग्रेड, एलेथ्रीन, सिंथेटिक पायरेथ्रम, रेपेलेंट फॉर इंसेक्ट्स सच एज फ्लीस, मॉस्किटो, पेपर्स है। तो आप मॉस्किटो आप रेपेलेंट्स एक्सपोर्ट करते हो, तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम पूरे जैन हैं और अहिंसा के पालक हैं, तो इसको आप ज़रा भी एक्सपोर्ट मत कीजिएगा, इसका बिजनेस ही मत कीजिएगा। फिर पेपर इम्प्रिगनेटेड विद इंसेक्टिसाइड सच एस DDT कोटेड पाउडर, अदर इंसेक्टिसाइड, मैनेब, सोडियम पेंटाक्लोरोफेनेट, थायरम, जीनेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अदर फंगीसाइड्स, गिबरलेक एसिड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, डिसइंफेक्शंस, पेस्टिसाइड्स, अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, NES, अदर DDT। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रोडक्ट है जो आप एग्रोकेमिकल्स में इंक्लूड होती है।
और मैंने कॉस्मेटिक्स भी आपको बढ़ा के दे दी। अब डाई इंटरमीडियरीज, डाइज, इसेंशियल ऑयल्स। अब इसेंशियल ऑयल में कार्डेमम ऑयल, इसेंशियल ऑयल्स ऑफ बर्गामॉट, इसेंशियल ऑयल्स ऑफ ऑरेंज, इसेंशियल ऑयल्स ऑफ लेमन, ऑफ लाइम, ऑफ जाया, सिट्रो नेला ऑयल, जावा टाइप, जास्मिन कॉन्सनट्रेट, लेवेंडर और लेवेंडर अदर देन पेपरमेंट ऑयल, स्पीयर मिंट ऑयल, वाटर मिंट ऑयल, एक्स मेंथा एक्वेटिक, हॉर्स मिंट ऑयल, एक्स मेंथा सिल्वर सीरीज, बर्गामॉट ऑयल, अदर मिंट ऑयल्स, वेटिवर ऑयल। इस तरह से बहुत सारे ऑयल्स हैं, इतने सारे ऑयल्स शायद मैं नाम नहीं ले पाऊँ। मस्टर्ड ऑयल, रेसिनोइड्स ऑयल्स, फ्लेवरिंग इसेंशियल ऑल टाइप्स इंक्लूडिंग फॉर लिकर्स, अगर ऑयल, इसेंशियल्स ऑयल्स ऑफ जेरेनियम, सैलरी सीड ऑयल, क्यूमिन, दवाना ऑयल, यलंग ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, काम्फोर ऑयल, रोज ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, पेटिट ग्रेन ऑयल, पेट्शाउली ऑयल, पाल्मोरसा ऑयल, नटमैग ऑयल, क्लोबर्ड ऑयल, जिंजर ऑयल, फनल ऑयल, असंख्य प्रकार के ऑयल्स हैं। ठीक है, तो उसको भी क्लोज करता हूँ। फिर इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सबलाइम्ड सल्फर, प्रीसिपिटेट सल्फर, कोलोडाइल सल्फर, कार्बन ब्लैक, एसीटाइन ब्लैक, हाइड्रोजन, रेयर गैसेस आर्गन, रेयर गैसेस हीलियम, अदर रेयर गैसेस नाइट्रोजन, अदर ऑक्सीजन बोरॉन, टेलूरियम, अदर सिलिकॉन, सिलिकॉन कंटेनिंग बाय वेट, फिर इस तरह से फॉस्फरस, आर्सेनिक्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, नाइट्रिक एसिड, सल्फोर नाइट्रिक एसिड, डायफॉस्फरस, पेंटोक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इस आरसीएमसी में शायद ये सबसे वास्ट आरसीएमसी होगी। मैं धीरे धीरे इसको वो कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, अगर उसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा अगर आपकी आइटम आती है तो। फिर ऑर्गेनिक केमिकल, उसमें भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। स्टार्च ऑफ पोटैटो, स्टार्च ऑफ मैनियोक, स्टार्च ऑफ पोटैटो, स्टार्च ऑफ मेज, बी वैक्स, वेदर ऑर नॉट कलर्ड, इथाइल अल्कोहल एंड अदर स्पिरिट्स, डी नेचर्ड ऑफ एनी स्ट्रेंथ, नेप्थालिन, लिक्विफाइड प्रोपेन, लिक्विफाइड ब्यूटेन, लिक्विफाइड इथिलीन प्रोफाइल, फिर पैराफिन वैक्स कंटेनिंग
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड इथिलीन, अनसेचुरेट प्रोफेन, अनसेचुरेटेड ब्यूटेन, साइक्लोएक्सेन, बेंजीन, टॉल्यून, ओ एक्सिल्यून, एम एक्सिलिन, पी एक्सिलिन, इतनी सारी प्रोडक्ट्स है, करोड़ों प्रोडक्ट्स है। अब मैं शायद सारे नाम ना ले पाऊँ। क्लोलोफ्रुबेंजेन, फिर आपको यहां से नेक्स्ट करना है। फिर स्पेशलिटी क्या, पेट्रोकेमिकल्स भी देख लेते हैं। अब है सब देखा ही है तो नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जेली क्रूड, बेस ऑयल, फ्यूल ऑयल, लाइट डीजल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल। अगर आप पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हो तो ये शायद रिलायंस वालों के लिए काम पड़ेगा। एंथ्रेसिट को पीट वी वेदर और नॉट कंप्रेस इनटू बेल्स बट नॉट एग्लोमेरेटेड, रिट्रॉट कार्बन, कोल टार ऑब्टेन बाय ब्लेंडिंग विथ पेट्रोलियम ऑयल्स एंड ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम bitumens, minerals crude, aviation turbine fuel, high speed diesel, HSD, light diesel oil, fuel oil, base oil, lubricating oil, petroleum jelly, or slack wax, other petroleum jelly, micro crystalline petroleum wax. Specialty chemicals में है fatty oil or pull up oil, prepared glazings, dressings, etc. for textile industry, other additives for lubricating oils. Antioxidants for rubber, vulcanizing agents for rubber, rubber chemical, prepared, इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट है। ऑयल वेल केमिकल्स, कैपेसिटर फ्लूड्स, पीसीबी टाइप, डिपिंग ऑयल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेप्स, प्रिपेयर्ड पेंट और वार्निश रिमूवर्स, प्रिपेरेशंस एंड चार्जेस फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स, चार्ज फायर एक्सटिंग्विशिंग ग्रेनेड्स, रबर केमिकल, वल्केनाइजिंग एजेंट्स, इस तरह से। तो आप नेक्स्ट करिएगा। तो अब आएगा व्हाट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोप्राइटरशिप, फिर आपको डायरेक्टर डिटेल्स की डिटेल डालनी है। पहला आ गया तो इज ऑथोराइज पर्सन, यस करना है। अगर ज़्यादा डायरेक्टर है तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, प्रोप्राइटर है तो एक ही बंदा आएगा। तो मैं यहाँ पे पॉज करके सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। हाँ बोल, वीडियो रिकॉर्ड करूँ जो। हाँ जी, फिर यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने। सबसे पहले आईसी कोड, पैन कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड नहीं है मेरे पास तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहा हूँ।
इस तरह से आपको सारा अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे सी ए सर्टिफाइड एक्सपोर्ट टर्नओवर कंपलसरी है तो वो डालना है। यहाँ पे ओके करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबाना है। नेक्स्ट दबाएंगे फिर आपको एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप हो जाएगी। ये पूरा फॉर्म आपके नज़र के सामने दिख रहा है, जो जो डिटेल्स आपने यहाँ तक भरी है सबमिट कर देना है। फिर जो भी गलती है वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको ओके करना है। फिर अब आप मेंबर बन गए तो फिर यहाँ से आपको अपलोड करने हैं सारे चीज़ें, मेंबरशिप का ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड आपको जो बनाया देंगे वो लोग। फिर यहाँ से लॉगिन करके फिर आप आरसीएमसी अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।